हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरकेआर हिस्ट्री ऑफिशियल में। और यार वापस आपका भाई, आपका छोटा भाई वापस हाजिर है एक न्यू वीडियो के साथ में। और यार आज की जो लोकेशन है काफ़ी खतरनाक सी है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये जो रास्ता है यहाँ दो चीज़ों का खतरा है। एक नशेड़ियों का जो रात को यहाँ लूटपाट करने के लिए घूमते हैं, और क्योंकि कच्ची रोड है। मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ सामने का, कि इसका आपको आगे का व्यू दिख रहा होगा कि आगे की कैसी रोड है यार ये। और दूसरा है यहाँ कहते हैं कि यार कान फाड़ती चीखे सुनाई देती है लोगों की, और वो चीखे किस चीज़ की है ये तो पता नहीं है, पर लोगों की सुनी सुनाई लोगों की बातों पर यकीन करें तो कहते हैं कि यार यहाँ ऐसी चीखे सुनाई देती है कि लोग मतलब कान फाड़ जाए, मतलब कि यार हद के बाहर। पता नहीं यार, हो सकता है मैं कल मतलब पूरे रास्ते उसी के बारे में सोच रहा हूँ, तो यार हो सकता है मेरे कान बज रहे हो। और जैसे शीशे बंद है तो मेरे को लगता नहीं कि वो अगर ऐसी कुछ आवाज़ आएगी तो वो भी अंदर आएगी या नहीं आएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं बता दूँ कि यार मेरे बहुत से भाइयों को लगता है कि यार शूट करना काफ़ी ईजी है, जाते हैं और शूट करके आते हैं, पर मैं रियल बता रहा हूँ ये बहुत टफ काम है। टफ काम ऐसे कि जहाँ हम अगर 15 मिनट की वीडियो दिखा रहे हैं तो मैं सच बता रहा हूँ कम से कम हम 2 घंटे से 3 घंटे वहाँ विजिट करते हैं, तब जाके 15 मिनट का ही शूट निकल पाता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो कैमरा चालू नहीं करते उससे पहले ही हमें दिखती है, पर हम उसको अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाते और दिखा नहीं पाते, क्योंकि यार कंटिन्यू 2 से 3 घंटे कैमरा ऑन रखना पॉसिबल नहीं है। दूसरा यार मेरे एक यहाँ जख्म दिख रहा होगा, और मैं बता दूं कि यार गई वीडियो के अंदर मैं जब अकेला शूट करके वापस जा रहा था तो कुछ नशेड़ी वगैरह थे, उनसे मेरी हाथापाई हो गई, उनसे ये चोट थोड़ी सी चोट आई। और अभी देखो जब बोलते हैं कि रिस्क है तो रिस्क हर तरह से होती है, पर आज की जो लोकेशन है उसको आगे जाके विजिट करते हैं और देखते हैं कि अपने को यहाँ कुछ दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, प्लस कुछ सुनाई देता है या नहीं दिखाई नहीं सुनाई देता है। अंदर से कई बार जो मेरे साथ में इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में मन में अजीब सा डर बैठ गया है, तो मैं थोड़ा सा गाड़ी को आगे लेता हूँ और पैदल ही विजिट करता हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर रहूँगा तब तक मेरे को शायद जो चीज़ें हैं अच्छे से एक्सप्लोर नहीं हों और मैं आपको अच्छे से कुछ दिखा नहीं सकूँ। तो आप करें वेट और मैं थोड़ा गाड़ी को ले लेता हूँ आगे, फिर आगे पैदल ही निकलता हूँ। मैंने हालांकि जो चोट वाली बात है वो मैंने भाई को यही बोला था दोस्तों कि यार मेरे साथ में मैंने उनको बताया नहीं कि मेरे साथ में मारपीट हुई थी या हाथापाई हुई थी, मैंने उनको इतना सा बोला था कि मैं गिर गया था और चोट आ गई थी, तो ऐसा कुछ बता के ही मैंने झूठ बोला उनसे। और इसे मैं रोक कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ा आगे क्यों निकलते हैं। दोस्तों ये वो रोड है जहाँ से मैं आया हूँ, और ये गाड़ी को मैंने यहीं लगाया है। और यार ये भले ही किसी लगती मेन रोड से लगती रोड हो, पर ये कच्ची रोड काफ़ी खतरनाक है। और यार कुछ नहीं, थोड़ा सा पैरों के लग गया था। और इसके बारे में यहाँ कहते हैं कि यार ये काफ़ी खतरनाक रोड है, और यहाँ अकेले रुकना या दोस्तों मैंने जब गाड़ी के अंदर बैठा था मेरे को हल्की सी आवाज़ आई थी, और शायद ये जो अभी आवाज़ सेम जो आवाज़ आई है यही आवाज़ थी, क्योंकि
मैंने शायद, मेरे को उस टाइम लगा कि यार मेरे कान बज रहे हो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसी बारे में सोच रहा था। पर दोस्तों वापस देखो, यार मेरे को पता है कि सियार वगैरह रोते हैं, पर इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रोते यार। दोस्तों क्लियर आवाज आ रही है, हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने की। और ये आवाज किस तरफ से है यार, मेरे को लग रहा है ये आवाज इस तरफ से है। दोस्तों फिलहाल तो ये क्या है यार, दोस्तों एक चीज दिखी है यार, मैं उस पर फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि वो कैप्चर होती है नहीं होती है। थोड़ा आगे जाते हैं, कुत्ते नहीं, ओ ओ ये चीज क्या है दोस्तों, कुत्ते नहीं पीछे, दोस्तों एक वाइट चीज दिखी थी यार, पता नहीं वो आवाज किसकी थी या पता नहीं किस चीज की थी। यार मुझे माहौल है ना इस रोड का, ओ तेरी दोस्तों ये क्या है यार, दोस्तों जो चीज रो रही है ये चीज मेरे को इस तरफ से दिखाई दी थी, वापस हिम्मत नहीं हो रही है आगे जाने की। और इसकी आवाज है ना कंटिन्यू आ रही है, कौन है यार ये दोस्तों, जिस चीज का मैंने जिक्र किया था ना, ये आपको, ये मेरी उंगली के पास है ना, ये वो चीज है, ये ऊपर की तरफ। और उसका जैसा रूप है ना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं वापस उसको जाके कैप्चर कर सकूं यार, फिर भी मैं हिम्मत करके वापस जाता हूँ और देखता हूँ कि मैं आपको थोड़ा पास से दिखा सकूं। दोस्तों उसका इतना खतरनाक सा फेस है, ब्लैक सा, मेरे को पीछे हटना ही पड़ेगा यार। यार यहाँ गाड़ी टर्न करने के लिए जगह भी नहीं है, मेरे को बे की गाड़ी को पीछे लेना पड़ेगा। इसको रखता हूँ और सबसे पहले डोर बंद करता हूँ, लाइट में कुछ दिखाएगा भाई, दिखेगा भी नहीं मेरे को। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं यार, दोस्तों मैंने सबसे पहले निकलते ही ध्यान किया कि यार वो सामने तो चीज नहीं आ रही है, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ मैं रुकूं और वापस को कैप्चर करने की कोशिश करूँ। मैं जस्ट कैमरा ऑफ करता हूँ
और गाड़ी को बेच लेता हूँ। हालांकि यार ज्यादा टाइम हुआ नहीं था, अभी तो बहुत कम टाइम है, और इन लफों के चक्कर में यार मैं बहुत जल्दी आ गया था। गाइस मेरी वापस हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं वापस जाके वो चीज आप लोगों को दिखा सकूं, और तो आवाज़ है वो कानों में गूंज रही है। शुरू में मैंने उन आवाज़ों को इग्नोर किया था यार, कि मैं भी कोई सियार वगैरह हो या जंगली कुत्ते हो तो वो भी ऐसे ही रोते हैं, पर वो चीज काफी फास्ट जाने के बाद में मेरे को दिखी थी। मैं करता हूँ कैमरा ऑफ और यहाँ से गाड़ी को ब्रेक करके निकलता हूँ।